यूपी के कन्नौज से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि फर्जी वोट टालने का विरोध करने पर दो पक्षों में मारपीट हुई है। वहीं गांव के ही कुछ लोगों टाल रहे थे फर्जी वोट, मना करने पर हुई मारपीट, खेतों में तौड़ा तौड़ा कर पीटा गया है। घटना में 5 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। सभी घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि तिब्रा कोतवाली क्षेत्र के सिकरोरी गांव का यह मामला बताया जा रहा है। आपको बता दें कि कन्नौज से एक बड़ी खबर यह है कि फर्जी वोट टालने पर विरोध करने पर दो पक्षों में मारपीट हुई है। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। आप देख रहे हैं अपने शहर की तमाम छोटी बड़ी खबरें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्या घटना हो गई आपके साथ अभी? मेरे पिताजी ने एक महीने पहले ग्राम में चुनाव लड़ने की घोषणा की। कुछ भूमाफिया है गांव के, उनको ये फैसला पसंद नहीं आया। उन्होंने बार बार रोज दबाव देते थे कि चुनाव से पर्चा वापस लें, जान से मारने की धमकी देते थे। आज जब वोटिंग हो रही थी तो उनकी फर्जी वोटिंग को रोकने के लिए हमने बात की तो उन्होंने हमें बहुत मारा। उनके गांव से बाहर से लड़के एक लड़का फौजी है, उसने आके डंडों से उसे पूरे परिवार ने मारा, मेरी मम्मी को मारा, मेरे चार भाइयों को मारा, मेरे पिताजी के ऊपर हमला किया और हमें जान से मारने की धमकी दी। क्या ये पूरा हादसा पोलिंग बूथ पे ही हुआ था क्या? ये पोलिंग बूथ पे हादसा सुबह से इसके लिए कई बार सूचना दे दी गई थी और चुनाव आयोग को भी, चुनाव आयोग की तरफ से लोग भी आए, वो भाग जाते थे। लेकिन लास्ट मोमेंट पे जब वो लोग चले गए तो उन्होंने अपनी हार को देखते हम पे हमला किया ताकि वो फर्जी वोटिंग करा सकें। हम फर्जी वोटिंग के खिलाफ थे और जो भूमाफिया वगैरह कर रहे हैं उनके खिलाफ थे, बस इसीलिए हम पे हमला किया गया ताकि हम चुनाव ना लड़ें। आपका प्रचार